और सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है, जहां पर आज सीएम योगी गोरखपुर में मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद जनता दरबार भी लगाएंगे, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ फरियादियों की समस्याएं भी सुनेंगे। तो आज तीसरा दिन है गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, यहां पर मंदिर में पूजन अर्चन के बाद फरियादियों की समस्याएं आज मुख्यमंत्री सुनेंगे। जनता दरबार यहां पर लगाया जाएगा और फरियादी पहुंचेंगे अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। उपचुनाव के दंगल में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच अब पोस्टर वॉर जारी है। कि पटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, कोई माई का लाल आपका पान बांका नहीं कर पाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के बाद समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर कई पोस्टर लग चुके हैं। लखनऊ में एक नया पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के नेता ने लगाया है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता इस तरह की होर्डिंग लगा करके उस नारे का जवाब दे रहे हैं। इस बार इसमें लिखा गया है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक फोटो बड़ा इसमें लगाया गया है। साथ ही इस बात को फोकस किया गया है कि समाजवादी पार्टी के जो वोटर हैं वो जुड़े तभी जीतेंगे। इससे पहले पीजीए को लेकर समाजवादी पार्टी ने होर्डिंग लगवाई थी जिसमें लिखा था न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत वाले हटेंगे। एसपी ऑफिस के बाहर ये चौथी होर्डिंग है जिसमें ये बात कही जा रही है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। दोनों सियासी दल एक दूसरे पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जब से भाजपा की ताकत कम हुई है, संख्या कम हुई है, भाजपा हताश है, निराश है, परेशान है, इसलिए वो तरह तरह के नारे गढ़ रही है। वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन वो पिछड़ों को दलितों को आरक्षण नहीं देंगे। वो कहते हैं कि बटोगे कटोगे, लेकिन महिला सुरक्षा पे कुछ नहीं बोलते हैं। बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे ने बहुसंख्यक लोगों के बीच में जन जागरण का काम किया है और जो लोग बांटने की ही राजनीति करते आए हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कांग्रेसी समाजवादी पार्टी के लोग आज वो बहुत दुखी भी हैं। एसपी ऑफिस के बाहर लगे होर्डिंग पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि जनता समाजवादी पार्टी की सच्चाई जान चुकी है। एसपी ने माफिया और गुंडों को ही संरक्षण दिया है, प्रदेश की जनता के हित में कोई काम नहीं किया। उपचुनाव में जनता पूरी तरह से एसपी का बहिष्कार करेगी। समाजवादी पार्टी के लोग वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके नेतागिरी करते हैं और इनका प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। जब जब ये पावर में रहे हैं हमेशा गुंडे बदमाश माफिया पुष्पित और पल्लवित हुए हैं। प्रदेश की जनता इनकी कलई को अच्छी तरह जानती है। नोएडा में 26 अक्टूबर को बटोगे तो कटोगे को लेकर होर्डिंग लगाई गई जो कि चर्चा का विषय बन गई थी। हालांकि नोएडा अथॉरिटी ने इससे पल्ला झाड़ लिया था और बाद में इस होर्डिंग को हटवा दिया गया था। एसपी के पोस्टर पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने निशाना साधा है। राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि जो हमेशा बांटने का काम करते हैं वो अब जुड़ने की बात कर रहे हैं। सिर्फ कहने से नहीं होगा, उस पर अमल करने की भी जरूरत है। जो हमेशा बांटने का प्रयास करते रहे हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी बोली के नाम पर, अलग अलग प्रकार से बांटने की राजनीति करने वाले लोग आज जोड़ने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बटोगे तो कटोगे नारा क्या दिया कि सब अब जोड़ने पर उतारू हो गए हैं। जोड़ना अच्छी बात है, सकारात्मक है, लेकिन अपने आचरण में लाइए। केवल नारे लगाने से, केवल होर्डिंग लगा देने से ये जोड़ने का नाटक नहीं हो सकता है। हाल ही में पीएम मोदी ने भी महाराष्ट्र के दौरे के दौरान कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का ही एक मिशन है समाज को बांटना। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे।
यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सियासी वार पलटवार जारी है। समाज में जो लोग हैं सबको जीने का अधिकार है, सबको काम करने का अधिकार है। मैं समझता हूँ कि समाज में सबको जो मुट्ठी बांध कर काम कर रहा है सबको ताकत देने की जरूरत है। आपस में बांटने की और दुराव पैदा करने की न वर्ग में न समाज में न किसी जात में, ये भाजपा का काम है कि और केवल लोगों को वर्गवाद करना, जातना, बांटना, ये भाजपा का काम है, इसी पे भाजपा काम करती चलेगी। सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे वाले बयान के बाद जहां समाजवादी पार्टी हमलावर है तो दोनों पार्टियों के बीच पोस्टर वार भी जारी है। समाजवादी पार्टी कार्यालय और अखिलेश यादव के आवास के बीच की चौथी होर्डिंग है, इसमें ये बात बार बार कही जा रही है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनके विभिन्न नेताओं की तरफ से न सिर्फ उस नारे का जवाब दिया जा रहा है बल्कि अपने कार्यकर्ताओं के मोराल को बूस्ट करने के लिए और समाजवादी पार्टी के लोग उपचुनाव में जा करके लोगों से किस बात पर और किन बिंदुओं पर के सहारे वोट मांगेंगे वो लाइन समाजवादी पार्टी कार्यालय और विक्रमादित्य मार्ग से दी जा रही है। कुल मिलाकर मेरे पीछे जो ये पोस्टर नया लगाया गया है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज 18 लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं की एकता पर बड़ा बयान दिया। गोरखपुर में सीएम योगी ने कहा कि आदर्श राष्ट्रभक्त बनिए, एक राम भक्त की सच्चा राष्ट्रभक्त हो सकता है। सच्चा राष्ट्रभक्त दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देता है। और भारत एक दूसरे के पूरक है। सनातन धर्म मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा तो सनातन धर्म मजबूत होगा। अगर इनमें से कोई भी कमजोर होता है तो मान के चलिए दोनों कमजोर होते हैं। आज जब प्रहार हो रहे हैं, कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है, याद करना ये बांटने वाले तत्व इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। और याद करना, जब भी आप इन लोगों को बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिरी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, घर दूषण को भेजेंगे, कहीं चंडमुंड इनके जाएंगे। आदर्श राष्ट्रभक्त भी जो राम भक्त होगा वही राष्ट्रभक्त भी बन सकता है। और दुश्मन को दुश्मन की भाषा में जवाब भी दे सके। जो देश का दुश्मन है वो हमारा मित्र नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। पुरानी कहावत है, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। सियासत में इसे कहा जा सकता है कि मुफ्त वाली गारंटी उतनी ही देनी चाहिए जितना खजाने में पैसे हो। ये बात आज खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे में समझाई, वो भी अपनी ही पार्टी को कांग्रेस की खटाखट स्कीम पर। अब खुद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी खड़गे की इस नसीहत को मानेंगे? ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ, 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಡಕ್ ಮೇಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಏನೂ ಇಟ್ಟೋಗಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರೇ ಇಟ್ಟೋಗ್ತೀರಿ ಹೊರತಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ಅವ್ರಿಗಿಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ 10 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವನವಾಸದಲ್ಲಿ. ಆಜ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿನೇ ಅಪ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಧ್ಯಮತೆ ಪಹಲಿ ಬಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಿಯಾ ಹೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆ ದ್ವಾರ ಜೊ ಹೋತಾ ರಹಾ ಹೈ ವೋ ಜನತಾ ಕಿ ಆಂಗೋ ಮೇ ಧೂಳ್ ಝೋಂಕ್ನೆ ಕಿ ಬಾತ್ ರಹಿ ಹೈ. क्या श्रीमान खड़गे साहब माफी मांगेंगे जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है?
और बीजेपी उपचुनाव की सीटों पर शुरू करेगी पन्ना और बूथ सम्मेलन। बीजेपी जल्द बूथ और पन्ना सम्मेलन शुरू करने वाली है। उपचुनाव की सीटों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन धर्मपाल और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहने वाले हैं। तो उपचुनाव की सीटों पर अब पन्ना सम्मेलन शुरू किया जाएगा, यानी बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ये भी कहा जाएगा कि जीत का मंत्र यहां से उन्हें देने की कोशिश होगी।